नीचे देखो क्या व्यू आ रहा है। बहुत ही खतरनाक वाला काम मैं कर रहा हूँ, मेरे से होता हुआ तो यहाँ से बहरा झरना और इधर जा रहा है। तो यहाँ पे कर दिया, ये पे बाय फोन है, 8 कैनेडियन डॉलर मतलब अराउंड 6 USD पार्किंग रेट है इधर 2 घंटे का। तो अभी आया है यहाँ पे कैपिलानो स्टेट पार्क, यहाँ पे सस्पेंशन ब्रिज है। कितने की थी टिकट इसकी? 60 कैनेडियन डॉलर। हाँ मतलब 40 डॉलर भाई साहब। 111 की दो टिकट। अच्छा 111 की दो डिस्काउंट। हाँ, दो पे डिस्काउंट ऐसा? अच्छा नहीं, 57 की थी। ओके ओके, ओ ये तो अच्छा लग रहा है। तो इसका नाम है कैपिलानो स्टेट पार्क एंड इसमें कैपिलानो सस्पेंशन ब्रिज है, जैसे हरिद्वार में होता है लक्ष्मण झूला राम झूला, वैसे ये बहुत फेमस है। तो यहाँ पे जा रहे हैं, ये काफ़ी सही है, आदिवासी टाइप कुछ तो बना रखा है इधर। अच्छा ये है ब्रिज। ओ तो ये है ब्रिज राम झूला, देख लो ऐसी एक दूसरी जगह जहाँ लक्ष्मण झूला है, बस इसके ऊपर ऐसे जाओ और वापस आ जाओ। ये वहाँ जाकर भी कुछ कुछ पॉइंट्स आए थे, वहाँ जाते हैं। तो ब्रिज हिल रहा है, मेरे को तवा दिख रहा है यहाँ पे, एनो कैमरा पे इतना लग नहीं रहा, पर जब मैं चल रहा हूँ सीढ़ियों में भी काफ़ी हिल रहा है, बहुत हिल रहा है। तो बीच में चल रहा हूँ तो चल पा रहा हूँ, वरना साइड में तो रेलिंग पकड़ के चलना पड़ेगा, लेकिन मज़ा आ गया। ओ नीचे देखो क्या व्यू आ रहा है। ओ इधर ये वाटर बॉडी सूखी हुई है, सूखा हुआ पानी, इधर समर का टाइम है, बाद में विंटर में जम जाती होगी। आई डोंट नो मूवमेंट दिख रही कि नहीं, पर ब्रिज ऐसे 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 हिल रहा बहुत। ये देखो ये ऊपर, इसको देखो, बहुत ही खतरनाक वाला काम मैं कर रहा हूँ, मेरे से होता हुआ। ये न्यू व्यू, यहाँ पे स्पीकर लगा हुआ है, अनाउंसमेंट करी जा रहे हैं, शेक मत करो ज़्यादा, ले रहा हूँ ना वीडियो में। ये दूसरी साइड का व्यू है। तो एक्सट्रीमेंट पे आके काफ़ी ज़्यादा शेक करता है, बेस्ट है रुको मैं तो चलते जाओ, वरना बहुत शेक हो रहा है। कुछ लोग तो ऐसे आँख बंद करके चल रहे हैं। क्यों पे फाइनली एग्जिट आ गया, यस पार कर लिया ये वाला ब्रिज। और यहाँ एक्सट्रीमेंट से ऐसा दिखता है, वहाँ से स्टार्ट किया था यहाँ तक आया। तो अभी यहाँ पे लेफ्ट में ट्री टॉप्स एडवेंचर, तो यहाँ पे जा रहे हैं, थोड़ी सी हाइक है, देखते हैं क्या होता है। ये मिनी वर्जन ऑफ सस्पेंशन ब्रिज ट्री टॉप एडवेंचर। तो यही है, ये तो 5 मिनट में आ गया, ज़्यादा कुछ हाइक वेक करने की जरूरत नहीं पड़ी इस जगह के लिए। एक्चुअली हम वहाँ से चले थे, पता नहीं लगा ऊपर कब आए इतने। तो ये वाला सस्पेंशन ब्रिज ख़त्म हुआ, छोटा सा एक और है इसके बाद ये वाला, ये फिर आई थिंक वो ट्री टॉप पे पहुँच जाएगा। ओह अच्छा, फिर कनेक्टेड है, फिर यहाँ से वो वहाँ, फिर वहाँ से उधर, फिर कहीं तो नीचे जाएंगे। एक और सस्पेंशन ब्रिज ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं। इसके बाद आई थिंक यहाँ से यहाँ जाना है। अरे एग्जिट किधर है कोई बता दो। आई थिंक और जितना लंबा सस्पेंशन ब्रिज होगा उतना ज़्यादा शेक होगा, क्योंकि कुछ तो फिजिक्स का लॉ होता है, मेरे को याद नहीं आ रहा कि जितना ज़्यादा, क्योंकि दो एंड सिर्फ टाइट है जहाँ पे टॉर्क लग रहा है, एंड लेंथ जितनी लंबी होगी उतना ज़्यादा वाइब्रेशन होगा, एंड जितनी छोटी होगी उतना कम होगा, उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ये बहुत ही छोटे लेंथ के हैं तो इतना ज़्यादा शेक नहीं हो रहा, वो तो बहुत ही ज़्यादा लेफ्ट राइट ऊपर नीचे सब हो रहा था। ये चौथा सस्पेंशन ब्रिज ख़त्म हुआ, ये पांचवा चालू हो रहा है। ये देखो इस पर मैं स्पीड में भी चल पा रहा हूँ और आराम से भी चल पा रहा हूँ, बस ऊपर नीचे शेक हो रहा है, ये लेफ्ट राइट नहीं हो रहा, विच इज़ गुड। आई थिंक यही लास्ट है, ये यहाँ से नीचे उतर रहा है। ओ फाइनली ख़त्म हुआ। वेस्टर्न रेड सीडार, अच्छा इसको बोलते हैं वेस्टर्न रेड सीडार। यहाँ से बहरा झरना और इधर जा रहा है। दूसरी और चीज़ें करने को रैप्टर्स रिज और नेचर्स एज उधर है। रैप्टर्स रिज लर्न अबाउट बर्ड्स ऑफ प्रे 10 to 60 बुलाए भाई, ये कुछ बता रहे हैं बर्ड्स के बारे में। यहाँ पर गोड में बैठा है वल्लू, उसने वाह तो वापस जाने के लिए सस्पेंशन ब्रिज पे दोबारा चढ़ना पड़ेगा। नाउ ब्रिज एंट्रेंस एग्जिट दिस वे,
फिर से इस पे चले। इस पे छोटे छोटे स्टेप्स लेके तेज़ तेज़ चलो तो ठीक है, तेज लंबे लंबे स्टेप्स लोगे तो बैलेंस बिगड़ता है। तू भी आ जा। लाइन काफ़ी बढ़ गई है यहाँ पे। एक और एग्जिट, एनुअल पास भी लगता है इधर। तो अभी दोस्तों के इंडियन रेस्टोरेंट से खाया और बहुत टाइम के बाद ये सौंफ देखी। एक सीट में कहीं यूएस में कहीं देखा। रेस्टोरेंट था मॉडर्न हंडी एंड बैग। और यहाँ पे हर जगह 10 PM तक है, यूएस में 8 PM होता है। पार्किंग फ्री ये जरूर। यहाँ पे लोग विंटेज गाड़ियाँ बहुत मेंटेन कर रहे हैं। शौक होगा भाई यहाँ पे रिटायर होके आके सब गाड़ियाँ। राइट हैंड ड्राइव ये तो इम्पोर्ट करके लाया भाई।